इवन कि इंडिया की करेंसी इतनी मुस्तहकम नहीं है जितनी कि इस वक्त हमें बांग्लादेश की करेंसी नज़र आती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि बांग्लादेश अगला एशियन टाइगर होगा। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम बांग्लादेश। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से, द जर्नी ऑफ बांग्लादेशी टका, कि बांग्लादेश की जो टका है, करेंसी है, ये एक वक्त था कि दुनिया की सबसे कमज़ोर करेंसी हुआ करती थी, आज ये दुनिया में मजबूत करेंसी के तौर पर जानी जाती है। पाकिस्तान से भी मजबूत करेंसी आज टका बन चुकी है। तो इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्ट दे रहा है और क्या जर्नी हमारे साथ कर रहा है बांग्लादेशी टके के हवाले से, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। 1 2 3 गो। साउथ एशिया में सबसे मजबूत करेंसी इस वक्त बांग्लादेश की है, तो आज बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ बांग्लादेशी करेंसी यानी टका की। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में से इस वक्त देखें तो साउथ एशियन रीजन में जिस मुल्क की करेंसी सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और स्टेबल और मज़बूत नज़र आती है वो बांग्लादेश ही है, कि जिस पे डॉलर का उतना असर नहीं नज़र आता, या अगर हम एक्सचेंज रेट के हिसाब से भी देखें तो इस वक्त जो सबसे सही या सबसे मज़बूत पोजीशन पे करेंसी नज़र आती है वो बांग्लादेश की है। तो आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश की करेंसी यानी टका का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये कब बांग्लादेश की ऑफिशियल करेंसी बना, तब क्या वैल्यू थी और किन उतार चढ़ाव के बाद ये इस वक्त साउथ एशिया की सबसे मजबूत करेंसी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज बात करेंगे बांग्लादेशी करेंसी यानी टका की, कि टका कब फॉर्म हुआ, कब ये अपने हाईएस्ट स्टेट पे था और कैसे ये आज साउथ एशिया की सबसे मजबूत करेंसी बन चुका है। थोड़ा सा हिस्ट्री का प्रस्पेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आपको बता सकेंगे कि हम स्पेशली टका की आज बात क्यों कर रहे हैं या बांग्लादेश की करेंसी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। तो बांग्लादेश की पाकिस्तान से लिबरेशन से पहले, जब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तब वहाँ पे पाकिस्तानी रुपी ही चलता था और 1956 के बाद, आपको बता दें कि पाकिस्तान और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों जो यूनियन था पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तानी रुपी के ऊपर टका भी लिखा गया था, यानी रुपी एंड टका दोनों ऑफिशियल नोट्स और कॉइन्स के ऊपर इम्प्रिंटेड था और वो काफ़ी टाइम तक चलता रहा। 1971 में फिर लिबरेशन का सारा इशू हुआ और बांग्लादेश अलग से एक मुल्क के तौर पर फॉर्म हो गया, लेकिन 1971 के बाद भी ऑफिशियली बांग्लादेश में पाकिस्तानी रुपी ही चल रहा था 1972 तक। 3-4 महीने तक पाकिस्तानी रुपी ही चलता रहा, फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, पाकिस्तानी नोट्स के ऊपर बांग्लादेश के स्टैम्प्स लगने शुरू हो गए, जिससे पता चला कि अब ये वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहा। ऑलरेडी इन प्रोसेस भी था कि एक नई अपनी इंडिविजुअल करेंसी को फॉर्म किया जाए और ऑफिशियली March 1972 was the day, was the month के जब टका फॉर्मेशन में आया और बांग्लादेश में एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था टका। अब बांग्लादेश की नई करेंसी जब फॉर्म में आई तो जो नोट्स आए वो 1 टका, 2 टका, 5 टका और 100 टका तक के ही नोट्स थे, इससे ज़्यादा बड़े नोट्स उन्होंने इशू नहीं किए थे। और आपको साथ साथ बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जो करेंसी वैल्यू थी, एक्सचेंज रेट था, वो मोर और लेस सेम था। 1972 के फौरन बाद जो एक्सचेंज रेट चलता रहा बांग्लादेश में, वो ये था कि $1 वॉज ऑलमोस्ट अबाउट 7.35 और 2.8 टका, और पाकिस्तानी वैल्यू भी मोर और लेस यही चलती रही थी। और उस टाइम के हिसाब से देखें तो उस टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस माना जाता था। अब के हिसाब से हमें लग रहा होगा कि उस वक्त बहुत ज़्यादा डॉलर सस्ता था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, इट्स लाइक 50 ईयर्स अगो की बात है। और अब के हिसाब से कंपेरिजन हम आपको इन दी एंड बताएँगे कि अब क्या सूरत हाल है। फिर आपको बता दें कि आहिस्ता आहिस्ता जब तरक्की का सफ़र बांग्लादेश में शुरू हुआ तो बांग्लादेश में एकदम से रिसेशन आया, बहुत ज़्यादा बैड रिसेशन आया,
और बांग्लादेश को आईएमएफ से कर्ज़ा लेना पड़ गया। अब आपको पता है कि जब भी आईएमएफ कर्ज़ा देती है तो वो बहुत सारी कंडीशंस के साथ कर्ज़ा देती है जो बांग्लादेश को बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं थे, क्योंकि सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि बांग्लादेश को अपनी करेंसी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा गिराना पड़ता था। तो आपको बता दें कि 1980 तक जो वैल्यू थी बांग्लादेशी टका की वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, क्योंकि आईएमएफ से कर्ज़ा ले लिया था और आईएमएफ की कंडीशंस को पूरा करना था। आपको बता दें कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा एडमेंट रहा है आईएमएफ की कंडीशंस को मानने के लिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जिसमें कहा गया कि हमें बांग्लादेश की कंडीशंस को नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन दी एंड मजबूरी बन गया बांग्लादेश के लिए कि वो आईएमएफ से कर्ज़ा ले और अपना जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखे। आपको बता देंगे 1978 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ईयर था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट का पेस था वो ट्रिपल हो गया था। जो लोन आईएमएफ से लिया गया था उसको जब अप्लाई किया गया, जो डेवलपमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुई, उस इन्वेस्टमेंट ने एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बूम आया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में हम देखते हैं कि उसके बाद से जो टका की वैल्यू है वो बढ़ती ही चली गई। साथ ही साथ 10-12 साल के से में हमने देखा कि टका एक स्टेबल प्लेस पे आ गया। फिर 2011 वाज द टाइम जब टका स्टेबल से बेहतर करेंसीज की तरफ चलता गया। आपको बता दें 2008 का जो वक्त था वो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की करेंसी वैल्यू एक्सचेंज रेट वाज द सेम, लेकिन उसके बाद से जो जर्नी पाकिस्तान की थी वो डिक्लाइन की तरफ गई, यानी पाकिस्तान के पैसे की जो वैल्यू है वो कम होती गई और बांग्लादेश के टका की जो वैल्यू है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली। फिर 2011 में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया और 2011 में जो एक्सचेंज रेट था टका का वो $1 के हिसाब से 72% था। साथ ही साथ हमने आगे बढ़ते हुए जब देखा तो 2012 में एक पॉइंट आया जहां पे डॉलर बहुत महंगा हो गया था उस टाइम के हिसाब से बांग्लादेश में, और 2012 में टका की जो प्राइस या एक्सचेंज रेट था वो $1 वाज इक्वल टू 82%, जिस पे फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा काम किया गया, डेवलपमेंट के पेस को और ज़्यादा बढ़ाया गया। और 2015 में उनकी हिस्ट्री का बहुत अच्छा फिगर आने शुरू हो गया और 2015 में जो टका का रेट था या एक्सचेंज रेट था वो $1 वाज इक्वल टू 77%, और ये बड़ी इम्प्रेसिव बात थी कि वो डिक्लाइन में प्राइस आई 82 से 77 तक टका को लेकर आए। और अब आपको पता है कि 2021 शुरू हो चुका है, बल्कि अपने मिड में जा रहा है। 2021 में इस वक्त बांग्लादेश के टका की वैल्यू एक्सचेंज रेट वाइज अगर आप देखें तो $1 इज़ इक्वल टू 85%, मतलब इतने ज़्यादा सालों के बाद भी हमें वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं नज़र आया जो हमें पाकिस्तान और इंडिया में नज़र आता है, जहां पाकिस्तान में आपको पता है कि डॉलर 160 से ऊपर चला गया था, फिर डाउन आया, 159 पे आया, फिर 158 पे आया, और अब चेंज होती रहती है फिगर, लेकिन 157 से रुपीज से नीचे नहीं गया अब तक भी। काफ़ी टाइम हो गया है कि हम देख रहे हैं कि वो इन्हीं फिगर्स के अंदर लिंगर कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी का भी आपस में कंपैरिजन कर लें तो जहां एक डॉलर इस वक्त बांग्लादेश में सिर्फ 85% का मिल रहा है, वो भी मैं आपको राउंड फिगर बता रही हूँ, इट इज़ 84 point something, लेकिन राउंड फिगर में 85% में ही वहां पे मिलता है। वहां पाकिस्तान में नॉर्मल लोगों को जब अवेल करने जाते हैं, एक्सचेंज करने जाते हैं, तो डॉलर मिल रहा है अराउंड 159 to 160 का, विच इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कह लें, शॉकिंग कह लें, बात यह है कि एक ज़माने में जब पाकिस्तान का रुपया टके से कहीं ज़्यादा वैल्यू पर खड़ा था और महंगा मिलता था, अब अगर हम एक्सचेंज रेट पाकिस्तानी रुपी और टका का देखें तो हमें जो एक टका है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 1.82 रुपीज़ का मिलता है, यानी तकरीबन
टू फोल्ड हो गई है प्राइस टका की पाकिस्तान में, वो इतना बेहतर सिचुएशन पे जा चुका है। अब लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे, या इस पूरी कहानी को नैरेट क्यों किया गया, बांग्लादेश की करेंसी के बारे में इतनी बात क्यों की गई? वो इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी में सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आए, इवन कि इंडिया की करेंसी इतनी मुस्तहकम नहीं है जितनी कि इस वक्त हमें बांग्लादेश की करेंसी नज़र आती है। वो एक अलग फैक्टर्स हैं जहाँ पे आर्टिफिशियली डिवैल्यू करके कंट्री अपने मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करती है, लेकिन इवन देन बांग्लादेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान से बेइंतहा बेहतर है। तो अगर हम केस स्टडी लें सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो बहुत हाई पॉइंट्स हैं जो बांग्लादेश से इस वक्त सीखे जा सकते हैं। IMF से लोन भी जो लिया बांग्लादेश ने, उसकी ज़्यादातर किस्तें लौटा चुके हैं और इस वक्त वो स्टेबल कंट्री हो गई है और सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रही है। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसको बॉटमलेस बकेट कहा जाता था, एक ऐसा केस कहा जाता था जो कहीं पे भी सर्वाइव करता, दुनिया में नज़र नहीं आ रहा था, वो अंडर डिवेलप से डिवेलपिंग और आगे आने वाले सालों में डिवेलप्ड कंट्रीज़ में खड़े होता नज़र आ रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि बांग्लादेश अगला एशियन टाइगर होगा। पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम बांग्लादेश, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जो एवोल्यूशन आया है उनकी करेंसी में, किस तरीके से उन्होंने टका को एक सिग्निफिकेंट करेंसी के तौर पर साउथ एशिया में इंट्रोड्यूस किया है, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग स्कोप फॉर पाकिस्तान। लेट्स सी पाकिस्तान अपने हर्डल्स से कैसे ओवरकम करता है। हमने देखा है कि रीसेंट ईयर्स में पाकिस्तान में बहुत सारे नए चैलेंजेस आए हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हुई हैं पाकिस्तान के लिए। अगला डेकेड या ये डेकेड जो हम गुजार रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स मेक श्योर कि हम इस डेकेड में पाकिस्तान के लिए मोस्ट कर सकें और पाकिस्तान को एक अच्छी पेस पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में शो कर सकें। तो जी, ये थी वीडियो और बहुत ही ज़बरदस्त फिगर बताई हमें 1971 से लेके आज तक की, और बांग्लादेश करेंसी को किस तरह से अरूज आया है और किस तरह से इसकी वैल्यू को बरकरार रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत इन लोगों की है जिन्होंने इस करेंसी को बेहतर बनाने के लिए अपने काम किया है, और करेंसी एक टाइम ये भी था कि इसकी वैल्यू कितनी डाउन थी, कितने देर बाद पाकिस्तान के लेवल के बराबर आई, आज पाकिस्तान से कितना बेहतर हो चुकी है। आज अगर स्टेबल करेंसी की बात करें तो इंडिया से भी बेहतर बांग्लादेश की करेंसी है। तो यही वजह है कि बांग्लादेश ने अपने इन शोबों में भी कितनी ज़रूरत के तहत अपने आप को आगे बढ़ाया और करेंसी को आगे रखने के लिए, आप जब भी अपनी मुल्क की वैल्यू को आगे रखने की कोशिश करेंगे तो करेंसी सबसे मेन फैक्टर होता है कि आपकी करेंसी किस स्टेज पे है। तो बांग्लादेश ने अपनी करेंसी को बहुत ही बेहतरीन फिगर में रखा, बहुत बेहतरीन स्टेज पे रखा। तो यही वजह है कि आज बांग्लादेश डेवलपमेंट के हवाले से, आज बांग्लादेश सरमायाकारी के हवाले से, आज बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट आ रही तो सिर्फ इसकी करेंसी की वजह से, कि इसकी करेंसी कितनी बेहतर होती जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।